हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सैनी चैनल में। फ्रेंड्स, एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करना चाहूंगी आज मैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं बड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं तो कि मिसकैरेज के लक्षण क्या होते हैं। वो किसी भी चीज को, छोटी मोटी चीज को मिसकैरेज समझ लेते हैं तो इससे उनका स्ट्रेस भी बढ़ता है और गलत कदम भी उठाने का डर रहता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी सिम्टम, ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं मैंने, तो आप उन्हें भी देखें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम टिप्स बताते हैं और आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन दो चार दिन के बाद एनर्जी जो है बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा करें कि वीडियोस को बार बार देखें और बार बार देखें ताकि आपका एनर्जी लेवल बना रहे और बहुत दिल से आप उन्हें फॉलो कर सकें, क्योंकि टिप्स बहुत ही ऑथेंटिक हैं और बहुत इफेक्टिव हैं और आपको जल्दी ही रिजल्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम मिसकैरेज के जो प्रमुख लक्षण हैं उनको जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात यह है कि कमर में बहुत तेज दर्द होना, माइल्ड या बहुत तेज दर्द आपको हो सकता है। जिनको पीरियड के दौरान बिल्कुल दर्द नहीं होता है उन्हें तो होगा ही, लेकिन जिनको दर्द होता है उन लोगों को दर्द की इंटेंसिटी और भी ज्यादा होगी। इसके अलावा जो आपका लोअर एब्डोमेन का रीजन है, पेड़ू जिसे कहते हैं, उसमें बहुत तेज ऐंठन सी आपको महसूस होगी, बहुत तेज, जिन्हें नहीं होता है या पीरियड के दौरान जैसा होता है उससे भी कहीं ज्यादा तेज आपको वहां पे ऐंठन महसूस हो, जो कि हो सकता है कभी कभी बिल्कुल सही ना जाए आपको। प्रेगनेंसी सिम्टम्स पीरियड से पहले आपको आए हों और एकदम से अचानक से वो सारे सिम्टम्स जो भी आपको दो चार जो भी सिम्टम्स आपको हो रहे थे प्रेगनेंसी के, वो एकदम से डिसअपियर हो जाते हैं, तो इसे भी हम कंसिडर कर सकते हैं मिसकैरेज का एक लक्षण। पीरियड लेट हो गया, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी थोड़े बहुत थे लेकिन धीरे धीरे हमको कुछ स्पॉटिंग सी मालूम चलने लग जाती है, जो कि एक दिन होने के बाद उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लग जाती है एकदम से और बहुत तेज हो जाता है। हमको जो नॉर्मल ब्लीडिंग होता है पीरियड के दौरान उससे भी कहीं तेज हमको ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो यह भी एक मिसकैरेज का प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा जो आपको पीरियड में हल्के फुल्के कुछ टिश्यूज आते हैं, क्लॉट्स आते हैं, जिन्हें नहीं आते उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन अक्सर आते हैं क्योंकि बच्चेदानी के अंदर की जो परत है वही शेड होती है पीरियड के दौरान, तो टिश्यू तो आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपको मिसकैरेज हुआ है तो उस दौरान आपको वो क्लॉट्स बहुत ज्यादा, बड़े बड़े क्लॉट्स गिरेंगे और बहुत ज्यादा आपको उसके साथ ही बहुत ज्यादा पेन होगा और आपको फीवर भी हो सकता है इस दौरान। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को समझें और दूसरों को भी बताएं जिन्हें इनकी जरूरत हो। साथ ही प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीव करने से रिलेटेड बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स, हार्मोन्स को कैसे ठीक करें, पीसीओडी थायराइड में कंसीव कैसे करें और प्रेगनेंसी के सिम्टम पे अलग अलग लोगों में क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन्हें भी आप जरूर देखें। बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ यूट्यूब सहेली पे, जल्दी ही आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।